वेलकम अगेन वी विल बी डिस्कसिंग जे एन यू एम एस सी एंट्रेंस प्रीवियस ईयरस क्वेश्चन फॉर द स्कूल ऑफ लाइफ साइंस फॉर द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैथड्स इन बायोलॉजी की तो मैथड्स इन बायोलॉजी जनरली जो भी मॉलिकुलर uh, टेक्निक्स हो गए या इवन बायो केमिकल या बायो फिजिकल टेक्निक्स हो गए उसकी हम जनरली यहाँ पर बात करेंगे तो so, क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरसेंट डाई इज़ यूज फॉर स्टेनिंग न्यूक्लियस तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्लोरोसन डाइज यूज फॉर स्टेनिंग न्यूक्लियस तो एक डी एन ए स्पेसिफिक जो रहता है वो होता है डापी स्टेन ओके बेसिकली एफ एम फोर सिक्सटी फोर जो है वो लिपोफिलिक है तो वो न्यूक्लियस स्टेन नहीं करेगा प्यूरा टू ए एम जो है वो बेसिकली कैल्शियम डिटेक्टर है सेल के अंदर का कैल्शियम डिटेक्टर वो भी नहीं होगा एंड रोडामिन वन टू थ्री जो है वन ट्वेंटी थ्री वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिफिक होता है ओके okay? तो so, इन चारों में से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड स्पेसिफिक ओके एंड देयर इट विल स्टे इन द न्यूक्लियस ओके नेक्स्ट इज अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम रन एट हंड्रेड किलो डाल्टन इन नेटिव पेज नेटिव पेज में अगेन एस डी एस ट्रीटमेंट नहीं किया है देर फॉर इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इन टू इट्स प्राइमरी फॉर्म एज वेल एज वी कैन से इट विल वॉट वी कैन से वो अपने नेटिव स्टेट में मतलब कि वो मल्टी सब यूनिट उसका होगा पॉलीमराइजेशन या जो भी टेट्रामराइजेशन या जो भी होगा उसके नेटिव स्टेट में रहेगा रेदर देन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी ब्रेक नहीं होंगे एंड शोज थ्री बैंड ऑफ मॉलिकुलर वेट थर्टी ट्वेंटी एंड टेन किलो डाल्टन इन एस डी एस पेज तो बेसिकली तीन बैंडस दिखेंगे सब यूनिट तीन से ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, बट यहाँ पे बैंड्स तीन दिखेंगे क्यों क्योंकि अगर टोटली totally वो हंड्रेड किलो डालटन का है एंड फाइनली थर्टी ट्वेंटी एंड टेन किलो डालटन का अगर उसको तीन सब यूनिट ऐसे मिलते हैं जब नॉट तीन सब यूनिट बट तीन बैंड मिलते हैं द एजाइम इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ यूनिट्स तो अगर थर्टी ट्वेंटी एंड टेन है राइट right? इसके पास एंड हमें टोटल करना है हंड्रेड किलो डाल्टन ठीक है यहाँ पे कितना है थर्टी किलो डाल्टन ट्वेंटी किलो डाल्टन एंड टेन किलो डाल्टन तो बेसिकली पहली बात तो तीन सब यूनिट्स तो होंगे नहीं क्यों क्योंकि अगर पूरा एनजैम में तीन ही सब यूनिट होंगे तो उसका टोटल थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी किलो डाल्टन होता बट पूरा एनजाम तो हंड्रेड किलो डाल्टन का है देर फोर तीन सब यूनिट होंगे नहीं चार भी नहीं हो सकेंगे क्योंकि अगर मान लो थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस टेन और चौथा सब यूनिट अगर थर्टी का होगा तो भी नाइन्टी किलो डाल्टन बनता है एंड दैट इज़ अगेन ऑल्सो नॉट पॉसिबल फोर अब बात करते हैं सेवन यूनिट सेवन सब यूनिट्स की तो हाँ सेवन सब यूनिट पॉसिबल है क्यों क्योंकि एक थर्टी ट्वेंटी टेन किलो डाल्टन के चार होने चाहिए टेन किलो डाल्टन के चार होने चाहिए या वी कैन से पाँच बेसिकली नॉट इवन चार टेन किलो डाल्टन के पाँच होने चाहिए राइट तो यू कैन सी कि अगर थर्टी किलो डाल्टन का एक ट्वेंटी किलो डाल्टन का एक सब यूनिट और टेन किलो डाल्टन के जब पाँच सब यूनिट होते हैं तभी जाके टोटल हंड्रेड किलो डाल्टन का एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है या एन्जाइम बनता है बेसिकली तो यू कैन सी कि एक दो एंड सेवन तो सेवन सब यूनिट पॉसिबल है राइट इज अगेन एट सब यूनिट पॉसिबल नहीं है तो so, हमें ऑप्शंस के साथ साथ ये बेसिक एक्चुअली कैलकुलेशन का ही यहाँ पे था आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ये याद रखना था कि नेटिव पेज में जो नेटिव पेज है उसमें कोई पर्टिकुलर एसडीएस ट्रीटमेंट नहीं होगा तो डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है बीटा मर्केप्टो मर्कैटो इथेनॉल ट्रीटमेंट भी नहीं होगा तो डाई सल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे एस डी एस पेज जो है उसमें तीन बैंड मिलेंगे थर्टी ट्वेंटी और टेन में तो अगेन टेन वाले जो बैंड है उसमें मल्टीपल सब यूनिट्स हो सकते हैं जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे फाइव सब यूनिट्स हो सकता है ठीक है तो टेन किलो डाल्टन के पांच सब यूनिट ट्वेंटी किलो डाल्टन का एक एंड थर्टी किलो डाल्टन का एक तो फाइनली सेवन सब यूनिट्स का टोटल बना हुआ है नेक्स्ट थ्री माइक्रोग्राम्स ऑफ वन के बी डबल स्टैंडर्ड लीनियर डी एन ए कंटेंट्स हाउ मेनी पिकोमोल ऑफ फाइव प्राइम एंड्स तो बेसिकली यहाँ पे अगर माइक्रोग्राम को पिकोमोल में कन्वर्ट करना है पिकोमोल में अगर कन्वर्ट करना है तो बेसिकली माइक्रोग्राम और हमें यहाँ पे दिया गया है एक बेस पेयर का 600 हंड्रेड डेल्टन है तो डिवाइड बाय 600 क्योंकि वो बेसिकली उसका मॉलिकुलर वेट इनटू हो गया राइट एंड इनटू थाउजेंड थाउजेंड क्यों? क्योंकि ये उसकी लेंथ है वो पर्टिकुलर डी की लेंथ है राइट इन टू थाउजेंड Yeah, we can say in 2000, क्योंकि वो डी एन ए की है, क्योंकि एक बेसपेयर कितने का था एक बेस था 600, uh, का, 2000 हमें करना पड़ेगा तो फाइनली जब हमें माइक्रोग्राम पता है तो वो कितना है थ्री बाई सिक्स हंड्रेड इन टू थाउजेंड तो देट विल बी अराउंड फाइव पिकोमोल्स यहाँ पे हम देखेंगे

कोलायका नेक्स्ट इज फॉर विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट एन एंटीजन तो बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन में नहीं यूज़ होगा क्योंकि उसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज यूज़ होते हैं पॉलिक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टी होती है क्रॉस लिंकिंग की एंड क्रॉस लिंकिंग की वजह से ही एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन होगा तो so, इसकी वजह से ये दोनों नहीं आएंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं करवाएंगे ये बेसिक इम्यूनो टेक्निक्स का एक प्रिंसिपल है राइट पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही एग्लुटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन करवाएंगे वेरस टिश्यू टाइपिंग की बात है तो अगेन टिश्यू टाइपिंग में तो वो तो पूरा अलग ही वो जब हम ट्रांसप्लांट करवाने के टाइम जब उसका एच हम जो डिटेक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज नहीं करेंगे वो हम यूज करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग में वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया एलाइजा हो गया या इवन uh, कुछ रिया हो गया राइट right? ये सारे जो इम्यूनो एसेज है उसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करेंगे नॉट बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन और नॉट इवन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग नेक्स्ट इज इन द साइंटिफिक मेथड अ हाइपोथेसिस इज हाइपोथेसिस इज बेसिकली ये आपको सिर्फ याद रखना है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन ओके इट इज़ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि ओके okay, ठीक ठीक है ये ऐसा हो सकता है वेन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज बींग डन और इवन वेन एक्सपेरिमेंट इज नॉट बींग डन और अगर वो एक्सपेरिमेंट हुआ भी नहीं है तो भी हमें भी एक हाइपोथिस एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं राइट तो इफ एक्सपेरिमेंट इज बींग डन और नॉट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस ओके नेक्स्ट अपलाई बी ट्रू तो कौन सा तो so, बेसिकलीग्रेशन जब आप देखेंगे एक्स वेरिएबल से तो आपको एक वर्ट वी कैन से जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन से एक पर्टिकुलर रेसिड्यूअल मिलेगा जिसको हम एरर बोलते हैं अब एरर का मतलब ये नहीं कि uh, ये जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन से जो डिविएट होता है जिसको हम एरर बोलेंगे उसका मतलब ये नहीं कि ये एरर हमारे कैलकुलेशन में है ये एरर वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के टाइम ये जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये एरर तो उसी को हम बोलेंगे रेसिडुअल इसको हम क्या बोलेंगे रेसिडुअल बोलेंगे ये जो पॉइंट है हमारे जो डेटा पॉइंट्स है वो डेटा पॉइंट्स नॉर्मल ट्रेंड लाइन से डिविएट हो रहे हैं जिसको हम एरर बोल रहे हैं अब ये एरर का मतलब ये नहीं कि हमारे कैलकुलेशन में एरर है ये एरर ऐसा एरर है आइदर एक्सपेरिमेंटल एरर और सम अनएक्सप्ले एरर गिवन बाय दिस सॉरी सम समएक्सप्लेन एरर वी कैन से नॉट बी नॉट एक्सप्ले बाय दिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो यहाँ पे जो रेसिडुअल डेटा जो रहता है दैट डेटा शुड बी इन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन ओके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन तो ये एक एजेंशन ट्रू होना चाहिए तभी जाके हमारा पूरा जो लीनियरेशन का जो कैलकुलेशन है वो सही रहेगा ठीक है ओके द लास्ट इज वायरस फ्री प्लांट्स हैव बीन प्रोपोकेटेड कमर्शली थ्रू तो वायरस फ्री प्लांट जो रहेंगे अगेन वो एपिकल मेरिस्टाइम कल्चर से जनरली प्रोपोगेटेड होते हैं या वी कैन से टिश्यू कल्चर उसमें हम ज्यादा करते हैं क्यू क्योंकि यहाँ पे जो मेरिज कल्चर है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है एंड देर फॉर दे आर लेस ससेप्टेबल और दे आर लेस प्रोन टू हैव वायरल इन्फेक्शन ओके वायरल इन्फेक्शन यूजली कंटिन्यूसली डिवाइडेड सेल्स में नहीं होता है वो एक पर्टिकुलर सेल जो नॉन uh, डिवाइडिंग है उसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए एपिकल मैरिज कल्चर दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड देर फॉर दे आर वी कैन से वायरस फ्री एंड देयर फॉर दैट प्रोपोगे और दैट टिश्यूकल्चर इज डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वायरस फ्री प्लांट्स ओके तो यहाँ पे हमने जे एन यू एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम के ट्वेंटी सिक्सटीन के क्वेश्चन देख लिए बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वॉज मैथड्स इन बायलॉजी एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस फॉर ट्वेंटी सेवेंटीन एंड ट्वेंटी एटीन एज वेल तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद मी स्टे ट्यून